भारतीय जनता पार्टी गोरक्षनगर मंडल के तत्वावधान में प्रदेश की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के स्वागत समारोह का आयोजन मोहरीपुर में किया गया। इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों द्वारा मंत्री का माल्यार्पण करके अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष उमेश चंद श्रीवास्तव, युवा व्यापारी मंडल के संतोष जायसवाल उर्फ राजन, चंद्रभान पासवान सहित अन्य पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि ये पूरा क्षेत्र भाजपा का ही है, इस क्षेत्र की जनता भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाकर संसद में भेजने का काम करेगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि गठजोड़ से विकास नहीं होता, विकास करने के लिए विकास करना भी पड़ता है। इसके लिए प्रदेश की जनता विकास के नाम पर बीजेपी को वोट करेगी और यहां से प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल को भारी मतों से विजयी बनाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में कहा, माला पहनते हुए चेहरा इधर कीजिए, श्रीमती अंकित स्वागत अभिनंदन वंदन है। जाति समीकरण चाहे हम हमेशा ये विश्वास रहता है कि मोहनपुर क्षेत्र से भाजपा हमेशा ऐतिहासिक मतों से जीती है। अभी मेरी अपनी विधानसभा में हम लोगों को यहाँ से 42 करोड़ प्राप्त हुआ था। वो जातीय रचना जिसको जो करती हूँ, पहले समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दल है, सबसे दल जितने दलों को मिला हूँ, मिले गोरखपुर की राजनीति का जो एक ही गणित है और एक ही नागरिकों की समझ है, यह सब जाति बदलने से दूर रह करके राष्ट्रवादी राजनीति से होते हैं। एकदम सही आपने कहा है, यह एक पीड़ा है, यह उनकी छटपटाहट है अपनी स्थितियों से उभरने की। लेकिन चाहे गोरखपुर की बात हो चाहे फूलपुर की बात हो, दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों के साथ विजयी होगा। और जहां तक कि गोरखपुर की बात कहें तो लगातार 5 बार से योगी आदित्यनाथ जी जो इस समय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। इससे पहले भी ये सीट परम पूज वैद्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ का नेतृत्व होता रहा है। और जिस तरीके से 11.5 महीने की सरकार उत्तर प्रदेश में चली है, उसको देखते हुए जनता ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे। विपक्षी चाहे जितनी ताकत लगा लें, और ठीक है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, उससे लड़ने में और मज़ा आता है और हम इस पूरा आनंद लेंगे इसका। लेकिन विजय की वरमाला भारतीय जनता पार्टी के ही गले में जाए। कुछ जानते हैं आप, खुद ही बात कर रहे हैं कि गेस्ट हाउस कांड के बाद इस तरीके का गठबंधन हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी बात के बाद अगर गठबंधन हो रहा है तो उसके पीछे क्या है। लेकिन ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भरोसा किया। मैं तो यही शुभकामना करूंगी कि दोबारा गेस्ट हाउस कांड की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और एक डिस्काउंट जो कांड हुआ था वो भी एक महिला के ही साथ हुआ था। तो मैं यही शुभकामना करूंगी कि गठबंधन हो लेकिन दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी सावधानी दोनों ही रखें तो बेहतर होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का कहना है कि मुझे गेरुआ और मंदिर भी गोरक्षपीठ से डर लगता है, तो क्या कहेंगे इस पर? अब भारत में रहकर और कोई गेरुआ वस्त्र और गोरक्षपीठ से डरता है तो ये डर उसकी कमजोरी को साबित करता है। चाहे गोरक्षपीठ धाम हो चाहे गेरुआ वस्त्र हो, ये सबको साथ लेकर चलते हैं। और आपने देखा होगा कि तिरंगे का पहला रंग भी गेरुआ है। गेरुआ तो संघर्ष और त्याग और वीरता का और सद्भाव का प्रतीक है। तो अगर उन्हें डर लगता है तो उन्हें कारण अपने अंदर तलाशने से चाहिए। मुझे लगता है कि उनके अंदर की कहीं कमजोरी है, कहीं कोई डर बैठा है, उस डर को किसी मनोचिकित्सक से निकलवा लेना चाहिए तो बेहतर होगा।
सकती हो? देखिए, उन्होंने ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा उसे देखना चाहिए। त्रिपुरा में वास्तव में जो पूर्वोत्तर में अपनी सरकार बनी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह था कि कभी भारतीय जनता पार्टी इन क्षेत्रों में अपनी सरकार नहीं बना सकती, तो ये बहुत बड़ी विजय है, विजय का जश्न है। और वास्तव में उन्होंने हमने वहाँ पर भाजपा की सरकार की स्थापना करके ये तो साबित कर ही दिया है कि कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक पूरे भारत में एक तरीके से देखें तो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली आ रही है। ये इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि ठीक कहा।